और कलामी मुकद्दस में से नए अहदनामा में से मुकद्दस पालूस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम का खत और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत के आखिर तक हम आज की तलावत को सुनेंगे और ये तलावत हमारे लिए भाई उबैद लियाकत करेंगे। भाई उबैद लियाकत खुदाम के कलाम की तलावत को हम सबों के लिए करेंगे। हम सब खुदाम के कलाम को अपने लिए खोलें, खुदाम के कलाम को अपने लिए यहीं पर कर लें। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। हमारे लिए आज की तलावत अहदे जदीद में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत के आखिर तक। मुकद्दस कलाम में कुछ यूं मरकूम है, मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तिमोथियुस की तरफ से फिलिपी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादमों समेत हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदेही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। खुदावन मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत के करके तुम सब का मुश्ताक हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए ताकि उमदा उमदा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरोसा बरे रहो ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश हो। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, खुदावन बरकत दे इस खूबसूरत तलावत के लिए आपको। मेरे अजीजो, आज इस वक्त खुदावन के पाक कलाम में फिलिपियों के खात्मे से खुदावन के कलाम को सीखेंगे और आज का जो पैगाम है उसका मौजू है फजल में शराकत। क्या मौजू है आज के पैगाम का? फजल में शराकत। और लफ्ज फजल पर जब हम गौर करते हैं तो अंग्रेजी में बड़ा खूबसूरत इसके लिए बयान किया जाता है कि अनडिजर्वेबल फेवर, वो चीज जिसके हम हकदार नहीं, जब वो हमें मिल जाए या वो चीज हम पर जाहिर हो जाए तो वो फजल है और ये फजल खुदा का फजल है। और मैं और आप हम सब ईमानदार होते हुए खुदा के फजल में शरीक हैं। फिलिपियों के नाम का खत मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी कैद के दौरान, जब वो रोमा में कैद था, इसकी जो तारीख बयान की जाती है, इसकी लिखने की राइटिंग की जो तारीख है वो 60 से 62 बादस मसीह यीशु की पैदाइश के बाद इस खत को लिखा गया।
और ये कैद जो मुकद्दस पालूस रसूल को बर्दाश्त करना पड़ी उसकी वजह यह थी कि कुछ ऐसे मुबशर और कुछ ऐसे खादमीन जो मुकाबले की रूह से खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रहे थे और वो मुकाबले की रूह से मुनादी कर रहे थे, उनके बायस मुकद्दस पालूस रसूल को रोमा में कैद होना पड़ा। और ये खत मुकद्दस पालूस रसूल ने रोमा में कैद में होते हुए फिलिपी में रहने वाले ईमानदारों को अपने शागिर्द के हाथ भेजा। और ये खत इसलिए उसने लिखा कि वो यकीन दहानी करवा सके कि वो कैद में है लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। इफ़सियों, कुलसियों और फिलेमोन के खत की तरह ये खत भी पालूस रसूल ने कैद की हालत में लिखा। और इस खत के अंदर गो कि वो कैद में है लेकिन जब हम इस खत का मुताला करते हैं और आइंदा दिनों में करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो कैद की हालत में भी खुदा के फजल के लिए कितना शुक्रगुजार है। गो कि जब इंसान परेशानी में हो तो बहुत से लोग खुदा को भूल जाते हैं, बहुत से लोग खुदा से गिले शिकवे करते हैं, लेकिन ये कैद की हालत में भी खुदावंद का शुक्रिया अदा कर रहा है। और पालूस रसूल ने कैद की हालत में इस खत को लिखा। फिलिपी शुमाली मकदीनिया का एक शहर था और इस शहर का नाम बहुत बड़ा एक बादशाह जो इस दुनिया में गुजरा है, सिकंदर आजम एलेक्जेंडर दी ग्रेट, उसके वालद फिलिपस के नाम पर इस शहर का नाम फिलिपी रखा गया। और सिकंदर आजम ये वो बादशाह था मसीह यीशु से पहले जिसकी जो बादशाहत है वो पंजाब में, हमारा जो पंजाब है जिसमें इंडिया का पंजाब और हमारा पंजाब भी है, टैक्सला तक इसकी रियासत थी, इसकी सल्तनत थी। और इतना बड़ा ये बादशाह था कि आधी से ज्यादा दुनिया इसने फतह की थी। फिलिपी का जो इलाका है, ये जो शहर है, इसका नाम सिकंदर आजम के नाम, वालिद के नाम फिलिपस के नाम पर इसको रखा गया। और नए अहदनामा के जमाने में ये एक रोमी बस्ती थी, रोम के रहने वाले जो लोग हैं उनमें से बहुत से जो हैं वो फिलिपी में रहते थे। और फिलिपी वो पहला यूरोपी शहर है जहां पालूस रसूल ने मुनादी की। और ये मुनादी उस रोया के जवाब में उसने की जिसका जिक्र हमें इमाल की किताब और उसके 16वें बाब में मिलता है। मैं चाहूंगा कि हम इसके इंट्रोडक्शन में जरूर देखें इमाल की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। खुदा उनके कलाम में से इमाल की किताब 16वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, और पालूस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदीनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। पौलुस रसूल ने रोया देखी और उसे रोया में एक आदमी नजर आया जो उसे बुला रहा है कि तू हमारे पास मकदूनिया में आ। मकदूनी आदमी, इसकी रोया बड़ी मशहूर खुदा के कलाम में ये रोया है, और उसने कहा कि मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। और पौलुस रसूल पहले ये मशरिक में, ईस्ट में कलाम, ये तमाम शागिर्द ईस्ट में कलाम सुना रहे थे, लेकिन जब ये रोया पौलुस रसूल ने देखी तो शागिर्दों में सबसे पहला शागिर्द पौलुस रसूल है जो मशरिक से मगरब की जानिब, ईस्ट से वेस्ट की जानिब कलाम सुनाने के लिए गया। और पौलुस रसूल का जाना बहुत अच्छा साबित हुआ। और आज जब हम देखते हैं तो जितने भी फॉरनर्स हैं वो सब के सब वेस्ट से आते हैं, मगरब से कलाम सुनाने के लिए आते हैं। तो देखिए कि अगर पौलुस रसूल इस रोया को देख कर या खुदा के कलाम की बात को ना मानता तो क्या होता, फिर हमें यहां से लोग भेजने पड़ने थे कि वहां पर जाकर कलाम सुनाएं। तो खुदावन ने रोया के वसीला से इसे कलाम किया और इसे बुलाया कि ये मकदूनिया में जो यूरोप है आज का, ये वहां पर जाए। और फिलिपी जो शहर है वो यूरोपी शहर है और पालूस रसूल वहां पर खिदमत के लिए गया और फिलिपी के अंदर पालूस रसूल की मदद की गई। फिलिपी का खत उसका 4वां बाब उसकी 10वीं आयत से 20वीं आयत में पौलुस रसूल उस अमदाद के लिए शुक्रिया अदा करता है जो लोगों ने उसकी की। और
वो ये इस बात के से खुश है कि गो के वो कैद में है, लेकिन वो ये बताता है कि मैं दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ। फिलिपियों खत उसका पहला बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत में, और वो ये कहता है कि मेरा कैद में आना एक खुशाइन बात है, क्योंकि जब मैं कैद में आया हूँ तो कैसरी सिपाहियों को, जो कैसर के सिपाही हैं, रोम का जो बादशाह है उसके जो सिपाही हैं और हुकूमत के मुंतजमीन हैं, पौलुस रसूल फिलिपियों का खत उसका 4वां बाब उसकी 22वीं आयत में बयान करता है कि मेरे आने से उन तक, उन सिपाहियों तक खुदा का कलाम पहुंचा, और जो हुकूमत को चलाने वाले लोग हैं उन तक खुदा का कलाम पहुंचा। और वो ये पहले बाब की 14वीं आयत में कहता है कि इससे मदद होगी उन भाइयों के लिए जो मेरे बाद खुशखबरी सुनाने के लिए आते हैं। और पौलुस रसूल कैद की हालत में भी इस फजल में जो मसीह यसू के वसीला से इस दुनिया पर हुआ, वो इस फजल में लोगों को शरीक कर रहा है। और फिलिपियों का खत जब हम खुदावंद के कलाम में इसको पढ़ते हैं तो ये खत एक खूबसूरत खत है जो खुदावंद के फजल की बाबत बयान करता है, गो कि पौलुस रसूल कैद में है लेकिन उस कैद में भी खुदावंद के फजल का शुक्रिया अदा करता है। एक प्रोटेस्टेंट मुबल्लिग और लिखारी हैं जैन जॉन हेनरी जोविट, वो ये बयान करते हैं कि फिलिपियों का खत शफकत का किताबचा है, और ये खत उसे वो फजल का खत करार देता है। एक बहुत बड़ा खुदावंद का बंदा जॉन हेनरी जोविट, वो एक प्रोटेस्टेंट मुबल्लिग है और लिखारी है, राइटर है, वो ये कहता है कि ये खत शफकत का किताबचा और फजल का खत है जिसमें खुदावंद के फजल को बयान किया गया है। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरह खुदावंद का फजल पौलुस रसूल पर हुआ। पौलुस रसूल यूरोप में पहुंचा और उसने फजल की बातें फिलिपी के ईमानदारों को बताई, और ये तमाम चीजें आज जब हम इस दौर में देखते हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में, ईस्ट के अंदर जितना भी जो खिदमत का काम हो रहा है, इसकी बहुत ज्यादा फंडिंग जो है वो हमें वेस्ट से मिलती है, यूरोप से आती है, अमेरिका से आती है। तो याद रखिए कि अगर मैं ये समझता हूँ कि पौलुस रसूल वहाँ पर ना जाता तो वहाँ पर सब बुतप्रस्त होते। आज जो मिशनरी इदारे, आज जो चर्चेस, आज जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हम देख रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हम देख रहे हैं, ये सब मरहूने मिन्नत हैं वेस्ट के, यूरोप के, वहाँ से पैसा आया और पाकिस्तान में और इंडिया में और तमाम जगहों में ये तमाम चीज़ें बनी। और ना सिर्फ वो लोग फजल में शरीक हुए बल्कि जब फजल का पैगाम उन तक पहुंचा तो उन्होंने दोबारा से ईस्ट के मशरिकी लोगों को भी इस फजल के अंदर शरीक किया। जब हम का पहला बाब पढ़ते हैं और पहले बाब के अंदर उसकी पहली आयत देखते हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल इस खत के अंदर और उसके आगाज में ये कहते हैं कि मसीह यसू के बंदों पौलुस और तिमोथियस की तरफ से, किन किन की तरफ से, पौलुस और तिमोथियस की तरफ से, फिलिपी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यसू में है, निगेबानों और खादमों समेत। इस खत के आगाज में पौलुस रसूल, तिमोथियस और पौलुस रसूल हमें इकट्ठे नजर आते हैं, और ये इम्कान गालिब है कि ये दोनों इकट्ठे इस वक्त कैद में मौजूद है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तिमोथियस पौलुस रसूल के लिए इस खत को लिख रहा है, बल्कि जब ये फिलिपी में खिदमत करने के लिए आए तो पौलुस रसूल ने और तिमोथियस, इन दोनों ने मिलकर काम किया। और पौलुस रसूल उन लोगों को जब खत लिखते हैं कैद में दूसरी जगह से, तो वो तिमोथियस का हवाला इसलिए देते हैं क्योंकि फिलिपी के ईमानदार तिमोथियस से वाकिफ थे। तिमोथियस एक नौजवान खुदा का खादिम था और पौलुस रसूल गो के बुजुर्ग था लेकिन तजर्बाकार था। और कैसी खूबसूरत बात है कि खुदावन ने फिलिपी के अंदर खिदमत करने के लिए, उन लोगों को फजल में शरीक करने के लिए एक नौजवान को और एक बुजुर्ग को, नौजवानी के आलम में उन जज्बात को जो जवानी के जज्बात होते हैं, और बुजुर्गी के आलम में पौलुस रसूल को जब वो एक तजर्बाकार खुदा का खादिम है, उन दोनों को खत्म, उन दोनों को इस्तेमाल किया ताकि वो वहां से खुदावन के कलाम को वहां तक पहुंचा सकें और बुतप्रस्ती को वहां से खत्म कर सकें। और कैसी कैसा खूबसूरत इम्तिजाज हमें यहां पर मिलता है, खिजा और बहार साथ हैं जो कभी साथ नहीं हो सकती, या तो खिजा होगी या बहार होगी, लेकिन ये दोनों साथ हैं। और किस लिए साथ हैं, ताकि फजल में खुदावन के लोगों को शरीक कर सकें। पौलुस रसूल जब इस खत का आगाज करते हैं
तो वो दो बातें बयान करते हैं कि फिलिपी के सब मुकद्दसों के नाम, एक तो उनका तारुफ ये है कि वो फिलिपी के रहने वाले हैं, और दूसरा उनका जो सबसे बड़ा तारुफ है वो ये कि वो मुकद्दस है, वो मुकद्दस लोग हैं जो खुदावंद के लिए अलहदा किए गए हैं। और मेरे जीजो ये एक अच्छी बात है कि हम खुदावंद के लिए अलहदा हों। अक्सर हमारा जो तारुफ होता है वो हमारा इलाका या हमारा खानदान होता है, और मसीह का नाम हमारे तारुफ के साथ मौजूद नहीं होता। लेकिन पौलुस रसूल इस बात की तारीफ करते हैं कि वो फिलिपी के रहने वाले हैं जो कि रोम का इलाका है, रोम की मलकियत है। ये उनके लिए फख्र की बात थी कि वो रोमी हैं, रोम के इलाका में रहते हैं, और उससे बड़ी फख्र की बात यह है कि वो मुकद्दस हैं, वो पाक लोग हैं। और पाक कैसे हुए हैं? मसीह यीशु पर ईमान लाने से और उसके फजल के बायस वो लोग पाक हैं। रूहानी लिहाज से हम सब एक हैं, वो कोई खुदा का खादिम हो, वो कोई कलीसिया में नया ईमान लाने वाला ईमानदार हो, मसीह में सब एक है। शायद हमारा इलाका, हमारा रूहानी, हमारा जिस्मानी स्टेटस फर्क हो सकता है। शायद किसी के पास गाड़ी है और किसी के पास अपनी साइकिल भी नहीं, ये हमारा एक जिस्मानी स्टेटस है। लेकिन जब खुदावंद आसमान पर से देखता है तो उसे सब एक नजर आते हैं। और पौलुस रसूल भी इसी बात को बयान करते हैं कि फिलिपी के सब मुकद्दसों के नाम, ये अच्छी बात है कि वो फिलिपी के रहने वाले हैं लेकिन खुदावंद में वो सब मुकद्दस लोग हैं। जुग्राफियाई लिहाज से वो फिलिपी में रहते थे लेकिन रूहानी लिहाज से वो मसीह में है। और हमें ये देखने की जरूरत है कि हम किस बात को अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल जब सलाम करते हैं तो ये सलाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का सलाम जो है वो एक मखसूस अंदाज में है, और ये अंदाज हमें तमाम खतूत के आगाज और उनके इख्तिताम में मिलता है। और दूसरी आयत में फिलिपियों के नाम खत उसका पहला बाब और दूसरी आयत में ये लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल ये बयान करते हैं कि हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मुकद्दस पौलुस रसूल का ये सलाम सिर्फ सलाम नहीं बल्कि ये मसीहत की एक बहुत बड़ी तालीम है, और ये तालीम वो लोग ही समझ सकते हैं जो फजल में शरीक हैं। जो फजल में शरीक नहीं वो खुदा और खुदावंद यीशु मसीह इन दोनों को अलहदा करके बयान करते हैं। उनका कहना ये है एक शख्सियत है लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी कहना होता है या उनका ये कहना है कि यीशु जो है वो एक आम इंसान है। लेकिन पौलुस रसूल अपने खत के आगाज में ये बयान करते हैं कि हमारे बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। ये फजल सिर्फ ईमान लाने से हासिल होता है। मसीह यीशु के बगैर अगर हम ईमान नहीं लाते तो हम फजल के तहत नहीं है, हम शरीयत के मतहत तो हैं लेकिन हम फजल के मतहत हैं। जब तक हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर लेते, ये फजल हमें ईमान लाते वक्त ही हासिल होता है। जब हम उस पर ईमान लाते हैं, ना सिर्फ ईमान लाते वक्त हासिल होता है बल्कि हमारी जिंदगी में हर रोज खुदावंद का फजल जो है वो जारी रहता है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस बात को बयान किया, और जब हम इब्रानियों का खत उसको भी पढ़ते हैं तो इब्रानियों के खत के अंदर भी खुदावंद के फजल की बाबत बात की गई है। इब्रानियों का खत उसका चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत, फजल ना सिर्फ मसीह यीशु पर ईमान लाते वक्त हमें हासिल होता है बल्कि जब हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी के हर दिन में खुदावंद का फजल हमारी जिंदगी पर होता है। और इब्रानियों का खत उसका चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत को हम अपने लिए देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, पस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो, हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। ये फजल ना सिर्फ हम पर तब होता है जब हम गुनाह में होते हैं बल्कि मसीह यीशु को कबूल करने के बाद जब हम अपनी जिंदगी को बसर करते हैं तो कलाम में लिखा है कि वो फजल जरूरत के वक्त हम पर होता रहता है, और जरूरत के वक्त खुदावंद अपने फजल की बदौलत हमारी मदद करता रहता है। और
उसके बाद मुकद्दस पालूस ये बात करते हैं कि तुम्हें फजल, और दूसरी बात क्या लिखी है, तुम्हें क्या हासिल होता रहे, इत्मीनान। सब बोले क्या हासिल होता रहे, ये इत्मीनान जिसकी बात खुदा के कलाम में की गई है, ये खुदा के साथ सुलह नहीं बल्कि वो तो हमें पहले ही हासिल हो जाता है। ये इत्मीनान जो है ये दुआ और शुक्रगुजारी के वसीला से हासिल होता है। एक इत्मीनान वो है जब हम गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे थे और हम इत्मीनान चाहते थे, लोग पहाड़ों पर वो जाकर बैठते हैं बर्फ पर इत्मीनान हासिल करने के लिए, वो खुदा की खुशनुदी को हासिल करने के लिए ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं। लेकिन मसीह में हमें इत्मीनान तब मिलता है जब हम उस पर ईमान लाते और उसे अपना शख्सी निजात दिंदा कबूल करते हैं। लेकिन मुकद्दस पालूस जिस इत्मीनान की बात कर रहे हैं, वो इत्मीनान जो मुकद्दस पालूस रसूल दुआ में उनके लिए कह रहे हैं, वो ये है कि वो लोग दुआ और शुक्रगुजारी करते रहें ताकि खुदा का इत्मीनान जो उन्हें मिला है वो उनकी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ता रहे। और जब हम इफ़सियों का खत फिलिपियों का खत देखते हैं और उसका चौथा बाब, उसकी चौथे बाब की छठी और सातवीं आयत देखते हैं, तो खुदा उनका कलाम ये बयान करता है। फिलिपियों का खत उसका चौथा बाब उसकी छठी और सातवीं आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की क्या ना करो, फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। और आगे लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यसु में महफूज रखेगा। जब फिक्रें हैं, जब परेशानियां हैं, तो उसमें हमने खुदावंद का इत्मीनान मांगना है। पालूस रसूल भी ये कहते हैं कि किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत की वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। जब हम खुदा के सामने दुआ रखते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, दरख्वास्त रखते हैं, तो फिर कलाम में लिखा है खुदा का इत्मीनान, खुदा का क्या इत्मीनान जो है वो हमें हासिल होता है। और मुकद्दस पालूस रसूल फिलिपी के ईमानदारों के लिए, फिलिपियों की कलीसिया के लिए ये बात बयान करते हैं कि तुम्हें खुदा का फजल जो ईमान लाते वक्त हासिल हुआ वो तुम्हारी जिंदगी में जारी रहे, उसके फजल से तुम्हारी जरूरियात पूरी होती रहें, और उसके साथ अगर कोई परेशानी है तो दुआ और शुक्रगुजारी करो ताकि खुदा का इत्मीनान तुम्हारी जिंदगी के अंदर आए। और ये खत पालूस रसूल के ईमान को भी बयान करता है और उसकी शख्सी रूहानी जिंदगी के बारे में भी बयान करता है कि पालूस रसूल खुदा और बाप दोनों को इज्जत दे रहा है। पालूस रसूल किन को इज्जत दे रहा है, खुदा को, बाप को, और उसके साथ यीशु मसीह को जो बेटा है, खुदा बाप और बेटे वो दोनों को इज्जत दे रहा है। और जब हम यूहन्ना की इंजील और उसका पांचवां बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ते हैं, देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका पांचवां बाब और उसकी 23वीं आयत, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, जैसे पालूस कहता है कि खुदा बाप खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, तो यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना की इंजील उसका पांचवां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। कलाम में लिखा है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं, और लिखा है जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। अगर हम जिंदगी में किसी एक बात पर खड़े हो गए कि हमने सिर्फ बाप को ही माना है, ऐसी बहुत सारी बिदात हमें दुनिया में मिलती है जो सिर्फ चंद चीजें हैं उन पर फोकस करती हैं, खुदा बाप ही है, यहोवा ही है, ऐसी बहुत सारी बिदात और ऐसी तालीमात हमें मिलती हैं। मसीह यीशु ने कहा कि जो बाप की इज्जत करता है वो बेटे की भी करता है, और जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी नहीं करता। पालूस रसूल ने इस खत के आगाज में इस बात को जाहिर किया कि वो बाप और बेटे दोनों की इज्जत करता है, और वो हमें भी ये बताता है कि हमने अपने जिंदगी में, अपनी शख्सी जिंदगी में इन चीजों को साथ लेकर चलना है। हमारे यहाँ इबादत का आगाज जो है उसमें हम दुआ के आगाज में हम अपनी जिंदगी में तसलीस ट्रिनिटी जो है हम उस पर बिलीव करते हैं, उसे मानते हैं, खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस,
कोई भी हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि कोई भी जो अकनीम है वो किसी से बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, सब बराबर हैं। खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस हमारा इस पर ईमान है। अगर हम ऐसे ईमान रखने वाले लोग हैं तो इसका मतलब है कि हम ईमान में दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं। तीसरी आयत और चौथी आयत, इसको मैं चाहूंगा कि हम इकट्ठा ही पढ़ें ताकि ये जो हिस्सा है इबादत में, कलाम का हिस्सा, इसमें हम आगे बढ़ सकें। तीसरी और चौथी आयत में मुकद्दस पालूस ये कहते हैं, मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूं तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूं और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूं हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूं। अब फिर वो फजल में शराकत की बात करता है, जिस पर फजल हुआ है वो दूसरों पर भी फजल करता है, वो दूसरों पर भी मेहरबान होता है। कलाम में लिखा है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर किसी पर मेहरबानी करेंगे तो खुदा भी मेहरबान होगा। और हम जब वो दुआ कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें क्या कर, माफ कर। जब हम पर फजल हुआ और हम उस फजल में शरीक हैं, शराकत रखते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम दूसरों पर भी मेहरबान हों और उनके लिए भी खुदा का फजल मांगे। तीसरी आयत जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये पौलुस रसूल की जिंदगी से शुक्रगुजारी का एक नगमा फूटता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। जब हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि मैं खुदा का शुक्र बजा लाता हूं। कैसी बात है कि खुदावंद का बंदा कैद में है, कैद में खत लिख रहा है, वो ईमानदारों को याद कर रहा है और वो कहता है कि मैं खुदा का शुक्र बजा लाता हूं। ये शुक्र बजा लाना पौलुस रसूल के लिए कोई नया नहीं था, क्योंकि जब हम ईमाल की किताब में उस वाक्य को पढ़ते हैं जब पौलुस और सिलास, खुदावंद की ये बंदे कैद की हालत में हैं और ये कैद में मौजूद थे, तो खुदावंद के कलाम, बेटा किधर जा रहे हैं, बैठे इनको बैठाएं, जरा अंदर आ जाए, बैठे बैठे जल्दी से अंदर आए। जब हम इनकी जिंदगी पर गौर करते हैं तो ये उस कैद की हालत में भी खुदावंद का शुक्र अदा कर रहे थे। और ईमाल की किताब में लिखा है कि आधी रात के वक्त जब सब कैदी सो रहे थे तो पौलुस और सिलास खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। कैसा अजीब लगता है कि परेशानी भी है, दुख भी है, तकलीफ भी है। कलाम में लिखा है उनके पैर जो है वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे और वो इस वक्त में भी खुदावंद की तारीफ कर रहे थे। और तारीफ करने का, शुक्रगुजारी करने का फायदा क्या हुआ? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आधी रात के वक्त जब वो प्रसिश कर रहे थे, वो खुदा की हम के गीत गा रहे थे, तो खुदावंद का फरिश्ता वहां पर उतर आया, उसने कैद खाना की बुनियाद को हिला दिया और लिखा है कि उनकी बेड़ियां खुल गई। और जो दरोगा था, फिलिपी दरोगा, वो भी फिलिपी का रहने वाला था, वो भागकर अंदर कूदा, उसने समझा कि कैदी भाग गए और उसने अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहा, तो पौलुस ने उससे कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, हम यहीं पर मौजूद हैं। और फिलिपी दरोगा ये देख कर कि ये इस परेशानी में भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, वो कलाम में लिखा है कि वो उनके कदमों में गिरा और उसने कहा कि ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। तो पौलुस रसूल ने, खुदावंद के बंदा ने उससे कहा कि अगर तू खुदावंद पर ईमान लाए तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और कलाम में लिखा है कि वो उनको लेकर अपने घर गया, उसके खानदान समेत उसने बपतिस्मा लिया। और ये कहा जाता है, ये तसव्वुर किया जाता है कि ये दरोगा, फिलिपी दरोगा जो है, ये फिलिपी के अंदर पहला ईमानदार था जिसने मसीह यीशु को कबूल किया। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल रोमा की कैद में भी कहता है कि मैं तुम्हें याद करता हूं, और याद करके वो रो नहीं रहा। अक्सर जब हम अपने अजीजों को याद करते हैं तो हमारे आंसू निकल आते हैं, लेकिन पौलुस रसूल याद करते हुए कहता है कि मैं खुदावंद का शुक्र बजा लाता हूं। वो ईमान की हालत में खुशी के साथ दुआ करने वाला शख्स था। पौलुस एक मर्द दुआ है, वो जब भी कैद में गया वो दुआ और प्रसिश किया करता था। और ये बात हमें इस बात के बारे में बताती है कि जब हम भी परेशानी में हों तो हमने दुआ करनी है। दुआ करने से, शुक्रगुजारी करने से, खुदावंद का नाम लेने से बड़ी बड़ी परेशानियां हमारी जिंदगी में से टल जाती हैं, क्योंकि हम अब फजल के अंदर मौजूद हैं। खुदावंद खुदा हम पर अपना रहम करता है। और कलाम में लिखा है कि
खुदावंद किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अक्सर गुनाह में जिंदगी बसर करते हुए हम शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं, अक्सर गुनाह में जिंदगी गुजारते हुए हम खुदावंद के सामने आना भूल जाते हैं। लेकिन पालूस रसूल की जिंदगी इस बात का इजहार करती है कि वो फजल में शरीक है, और वो हमें भी बताता है कि मैं तुम्हें याद करता हूं, और कहता है कि मैं खुदा का शुक्र बजा लाता हूं। पांचवी आयत में वो ये कहता है, इसीलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें नेक काम शुरू किया और वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। पांचवी आयत के अंदर वो ये कहता है कि तुम खुशखबरी फैलाने में मेरे शरीक रहे हो। मेरे अजीजो, फजल खुदावंद की बेशबाह बरकत है। फजल खुदावंद की एक ऐसी फेवर है जो जिसके हम हकदार नहीं, हम पर हो जाता है। लेकिन जब फजल हो जाए तो हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करना भी वाजिब है। पालूस रसूल इस इलाका के ईमानदारों की उस इमदाद के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता है, और उसका शुक्र अदा वो पांचवी आयत में करता है कि अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में तुम मेरे शरीक रहे हो। फिलिपी के ईमानदारों ने अपने रुपए और पैसे के साथ खुदावंद के बंदा की इमदाद की, खुदावंद के बंदा की मदद की, कि वो अपने रुपए और पैसे खुदावंद के बंदा को देते, और वो ना सिर्फ फिलिपी के इलाका में बल्कि दूर इफ्तादा इलाकों में जहां पर पहुंचना मुश्किल था। और कलामी लिखा है कि पालूस रसूल जहाज टूटने की हालत में से भी गुजरा। जब वो एक बहरी जहाज पर सफर कर रहा था तो वो टूट गया और वो डूबने से बचा, खुदावंद खुदा ने इसे बचाया, और ये खुदा का काम बिल्कुल सही अंदाज में कर रहा था, और उसके लिए पैसे की जरूरत फिलिपी के ईमानदार पूरे कर रहे थे। मुकद्दस पालूस रसूल दिलो जान से उनकी जान निसारी का जिक्र भी करता है, और वो ये जानता था कि जब ये खत पढ़ा जाएगा तो वहां पर वो फिलिपी दरोगा भी मौजूद होगा जो उस कैद में यीशु मसीह पर ईमान लाया था। तो वो ये कहता है, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में मेरे शरीक रहे हो। मेरे चीजों, जो कुछ हम खुदावंद के लिए करते हैं, वो हमारे रुपए और पैसे के वसीला से हो, वो हमारी जिंदगी में हम खुदावंद के लिए कुछ भी करते हो, चर्च में कोई भी खिदमत है, खुदावंद के लिए अगर हम कुछ करते हैं, याद रखें खुदावंद उससे नहीं भूलता। और खुदावंद का बंदा पालूस ये कहता है कि छठी आयत में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिस तरह तुमने नेक काम शुरू किया, क्या कहता है, कौन सा काम शुरू किया, नेक काम से मुराद निजात हासिल करने की बात वो करता है, मसीह यीशु पर ईमान लाने की बात करता है, कि जिस तरह तुमने मसीह यीशु पर ईमान लाकर इस बात का इजहार किया। आगे वो ये कहता है छठी आयत में कि मैं ये चाहता हूं कि इसे मसीह के दिन तक पूरा करो, उसे मसीह के दिन तक। मसीह का दिन, ये वो दिन है जब मसीह यीशु इस दुनिया में दोबारा ईमानदारों को वापस लेने के लिए आएगा। पालूस रसूल की तलकीन ये है कि पैसे से भी मदद की, तुम निजात के लिए यीशु पर ईमान भी लाए, लेकिन ये ईमान तुम्हारी जिंदगी में हमेशा कायम रहे। अगर कायम रहेगा तो तुम फजल में शरीक हो, अगर कायम नहीं रहेगा तो तुम खुदा के फजल वाले हाथ से बाहर निकल जाओगे। पालूस रसूल की जिंदगी में यादों का एक खूबसूरत खजाना था, और जब हम छठी आयत को पढ़ते हैं और उसके बाद छठी आयत के दूसरे हिस्से में जाते हैं, तो पालूस रसूल ये कहते हैं कि वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, और नेक काम जो तुमने शुरू किया था, किया पहले, मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहा, वो माजी की बात कर रहा है, वो हाल की बात नहीं कर रहा, वो माजी की बात कर रहा है, कि जब तुमने शुरू किया उसका हाफजा बड़ा अच्छा है, और वो मुसलसल खुदावंद की तरफ से फजल में रहते हुए उन्हें तकवीत दे रहा है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के फजल वाले हाथ में रहते हैं तो हमें दूसरे ईमानदारों को तकवीत देनी है। अक्सर बहुत से कलीसियाओं में, बहुत से चर्चेज में जो ईमानदार चर्च में आते हैं, चर्च के लिए कुछ करते हैं, उनकी तकवीत के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ किया नहीं जाता। और होता क्या है कि लोग पहले दिन बड़े अच्छे खुदा के साथ चलते हैं, दो दिन, तीन दिन, एक महीना, दो महीना, साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खुदावंद से दूर चले जाते हैं, वो फजल की शराकत में से बाहर निकल जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। पौलुस रसूल ने उन लोगों की हौसला अफजाई की, और सातवीं आयत के अंदर खुदावंद का बंदा ये बयान करता है, चुनाचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत
ऐसा ही ख्याल करूं क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदही सबूत में जवाबदही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। वो ये कहता है कि तुम मेरे साथ सब फजल में शरीक हो। मेरे अज़ीज़ो, अक्सर हमारे लिए ईमानदार होते हुए बहुत कुछ किया जाता है। चर्च, कलीसिया, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई हम ईमान हमारे लिए बहुत कुछ करता है और हम उसे भूल जाते हैं। हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है और वो सब कुछ जो हमारे लिए किसी भी वक्त में किया गया हमें उसे भूलना नहीं। पौलुस रसूल ये कहते हैं 7वीं आयत में कि तुम मेरे दिल में रहते हो, यानी वो उन बातों को जो कुछ उसके लिए किया गया वो उन बातों को अपने दिल में रखता है। उसके बाद 8वीं और 9वीं आयत जब हम खुदा के कलाम में इसको पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। वो ये कहता है कि जैसी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो वैसी मोहब्बत मसीह यीशु से भी करते रहो। अक्सर हम शख्सियात को बड़ा पसंद करते हैं लेकिन अगर खुदावंद की यीशु के साथ मोहब्बत की बात है तो हम उसकी मोहब्बत से वाकिफ नहीं होते। जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत में अकल और तमीज दोनों शामिल होना जरूरी है। अक्सर मोहब्बत जो है वो ऐसी मोहब्बत हो जाती है, वो एक शेर भी है कि अब इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए, ऐसी मोहब्बत होती है कि उसमें अकल और तमीज़ के अनासर शामिल नहीं होते। पौलुस रसूल ये कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जो खुदा की मोहब्बत है, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज्यादा होती जाए। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और बिलखसूस खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करें। मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं होता, मोहब्बत वक्त के साथ बढ़नी चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि अगर हम खुदावंद के लिए हदिया देते हैं तो हदिया और नजराने से बढ़कर वो हमारी जिंदगी भी चाहता है कि हम उसके लिए और उसके घर के लिए काम करने वाले हों। खुदावंद का बंदा ये कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और तमीज में और ज्यादा बढ़ती जाए और उसमें तरक्की होती जाए। मोहब्बत ऐसी ना हो जिसमें अपना ही फायदा हो। दुआ मांगने के लिए खुदा के घर में आए तो बड़ी मोहब्बत है, देगे भी देनी है, हदिये भी देने हैं, नजराने भी देने हैं, चर्च की सफाइयां भी करनी है, लेकिन जैसे ही अपना काम निकला मोहब्बत कम हो जाती है। खुदा उनका मन यही कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए ताकि तुम उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल और ठोकर ना खाओ। उम्दा चीजें खुदा उनके कलाम में लिखा है, खुदा उनका बंदा ये कहता है कि उम्दा उम्दा बातों को पसंद करो। अगर हम पर फजल हुआ तो हमें अपनी जिंदगी में उम्दा चीजों को अपनाना है। अगर फजल हो गया, यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उसे अपना निजात दिंदा मान लिया, बपतिस्मा ले लिया, पाक शराकत में भी आते हैं लेकिन काम फिर वही गलत है तो फिर हमारे कामों से ये जाहिर नहीं होता कि हम फजल में शरीक है, क्योंकि फजल जिन पर हुआ होता है, जिन पर रहम या तर्स खाया जाता है, उनकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। हम खुदा के कलाम में एक तमसील को देखते हैं जो मसीह यीशु ने बयान की कि एक आदमी था जिसने किसी कर्ज खा का कर्ज देना था। उस आदमी ने उस आदमी को जिससे उसने कर्ज लेना था उसे बुलाया और उसे कहा कि तेरी तरफ मेरे इतने दिनार हैं, 500 दिनार हैं, तू मुझे दे। तो उसने कहा मैं नहीं दे सकता। उसने अपनी परेशानी को बयान किया, कलाम में लिखा है कि उस आदमी ने जिसने कर्ज लेना था उसने उसे माफ कर दिया। तो जब वो बाहर निकला तो बाहर एक आदमी खड़ा था जिससे कर्ज उस आदमी ने जिसके 500 माफ हुए थे उसने देना था। कलाम में लिखा है जब वो बाहर गया तो उसने उसे पुकारा और कहा कि मेरा कर्ज मुझे वापस कर। उसने कहा कि मेरे पास नहीं। उसका तो माफ किया गया लेकिन उसने माफ नहीं किया। और जब उसने माफ नहीं किया और वो आदमी जिसने 500 माफ किए, 500 दिनार उसने उसे वापस बुला लिया और उससे कहा कि जब तुझे माफ किया गया तो तूने ऐसा क्यों नहीं किया। और मेरे अज़ीज़ो, अक्सर जब हम मसीह में आ जाते हैं, हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं तो फिर चंद मिनटों के बाद, चंद अरसा के बाद जिंदगियां फिर वैसे ही बुरे कामों में चली जाती हैं। खुदा उनके कलाम में लिखा है, खुदा उनका बंदा मुकद्दस पौलुस ये कहता है, उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के आने तक साफ दिल और ठोकर ना खाओ। साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ। अक्सर हम ठोकर खाते हैं
और अक्सर हमारी जिंदगियां दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनती हैं। लोग ये कहते हैं कि ये चर्च में तो बड़ा दुआएं करता है, बड़ा ईमानदार बनता है, लेकिन बाहर आकर इसकी जिंदगी कैसी है। और वो लोग कहते हैं जे इंज दे ईमानदार होंगे तो मैं इंज दा नहीं बनना, और हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। खुदा उनका बंदा ये कहता है कि उम्दा बातों को पसंद कर सको मसीह के दिन तक। ये मसीह का दिन बार बार जिसका जिक्र हो रहा है, ये वो दिन है जब मसीह यीशु ईमानदारों को लेने के लिए आएंगे, और वो जिनके काम अच्छे हैं, जो ईमान में मजबूत रहे, वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, और जिनकी जिंदगियां दुरुस्त नहीं, जिनके जिंदगी में उम्दा काम मौजूद नहीं, और जिनकी वजह से ठोकर किसी को लगी, और जिनका दिल खुदावन के साथ नहीं रहा, कलाम में लिखा है कि वो हवा में उठकर उसका इस्तकबाल नहीं करेंगे बल्कि वो दुनिया में रह जाएंगे। तो पालूस कहता है कि अगर तुम फजल में शरीक हुए हो तो तुम मसीह के दिन तक, उसके आने वाले दिन तक उसमें मौजूद रहो और उसमें शराकत किए रखो। 11वीं आयत में वो इस खत में इस बात पर जोर देता है कि रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो। रास्तबाजी का फल हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और अक्सर इस पर तवज्जो कम दी जाती है। मैं एक दफा पहले भी शायद इस बात को बता चुका हूं कि ये रास्तबाजी का फल क्या है। ये रास्तबाजी का फल रूह का फल है, जो हमारी रूह यानी रूह कुछ की हमारे रूह के साथ शराकत से पैदा होता है। जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आता है तो वह रूह जो पहले से हमारे अंदर मौजूद है, उसकी शराकत, इन दोनों की शराकत से हमारी जिंदगी में एक नया फल पैदा होता है। और जब हम गलतियों के नाम का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। और लिखा है, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। ऐसे कामों की कोई शरीयत क्या नहीं? मुखालिफ नहीं। और खुदा का बंदा फिलिपियों के खत में कहता है कि रासबाजी के फल से जो मसीह यीशु के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए, और उसकी सिताइश की जाए। और ये रासबाजी का फल हमें गलतियों के खत में मिलता है। अगर हम में मोहब्बत है, अगर हमारी जिंदगी में खुशी, इत्मीनान, तहम्मल, मेहरबानी और ये तमाम चीजें जो रूह के फल में मौजूद हैं, अगर ये होंगी तो फिर लोग देखकर अंदाजा लगाएंगे कि ये इत्मीनान और मोहब्बत से बड़ा शख्स, ये शख्स जिसकी जिंदगी में खुशी नजर आती है। और पौलुस रसूल इस बात को बयान करते हैं कि हर वक्त खुश रहो। ये शख्स जो हर वक्त खुश रहता है, ये जरूर है कि ये वो शख्स है जिस पर खुदावंद का फजल हुआ है। मेरे जीजो, खुदावंद का फजल हम पर हुआ है, और ये इसलिए हुआ है ताकि हम दूसरों को इस फजल में खींच कर लाएं। हम अपने खानदानों को, हम अपने घरानों को, हम अपने उन लोगों को जो खुदावंद से दूर हैं, उन्हें मसीह में लेकर आएं, ताकि वो भी फजल की शराकत में आएं, ताकि वो भी फजल के हकदार हो सके। थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें कि अगर मैं या आप समझते हैं कि आप तो मसीह में चल रहे हैं, आप फजल के मातहत हैं, आपकी जिंदगी में खुदा का फजल जो हुआ, आप उसमें अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, लेकिन गौर करें कि आपकी बीवी, आपका शौहर, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके वालिदैन और वो अजीज जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, उन पर खुदा का फजल नहीं हुआ या वो फजल में शरीक नहीं है, और जब आसमान पर जाएंगे तो वो हमारे साथ मौजूद ना होंगे। ये कैसी अजीब बात है। ये दुनिया जहां पर हम इकट्ठे रहते हैं, हमारा रहन सहन इकट्ठा है, अगर वो फजल में शरीक नहीं है तो ये हमारे लिए कैसी अजीब बात होगी। मेरे जीजो, जिस शख्स पर फजल हुआ है वो दूसरों को भी उस फजल में शरीक करता है, और जिस पर फजल नहीं हुआ वो दूसरों को भी उससे दूर करता है। पौलुस रसूल ने कहा कि तुम्हें फजल और इत्मीनान पहले भी हासिल हुआ और आइंदा भी हासिल होता रहे, क्योंकि पौलुस रसूल की अपनी जिंदगी में खुदावंद का फजल हुआ। फिलिपियों का खत ये फजल का किताबचा और फजल का खत है, और पौलुस रसूल ने इस खत की इन आयात के अंदर, जिनको आज हमने देखा और इस वाज में इन बातों को सीखा कि किस तरह वो लोगों को भी उस फजल में शरीक करना चाहता है। मेरे जीजो, मुझे और आपको भी अपने उन लोगों को जो फजल के मतहत नहीं हुए, जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया,
हमें उन्हें भी इस फजल में लाने की ज़रूरत है। और कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। उस पर फजल होता है और फजल के बायस वो दुनिया में मर तो जाता है लेकिन वो हलाक नहीं होता, मर जाता है लेकिन वो जो मसीह पर ईमान लाता है, यूना की अंजील में लिखा है, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। ये जिंदा रहना सिर्फ खुदा के फजल के बायस मुमकिन है। आज मेरे जीजो, हमने फजल की शराकत के बारे में सीखा। आज मैं चाहूंगा कि इस पैगाम के आखिर में आप अपने खानदानों और जिंदगियों पर गौर करें, जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करें कि खुदा का फजल कैसे कैसे आपकी जिंदगी पर हुआ। मैं सिर्फ उस फजल की बात नहीं कर रहा जो आपकी जिंदगी में हर रोज रोजमर्रा हो रहा है, जिसमें आपकी जरूरियात पूरी हो रही, जिसमें आपको अच्छी नौकरी मिल रही है, जिसमें आप पर खुदा का फजल यह कि आपके पास अच्छा घर, अच्छा लिबास है, बल्कि मैं उस फजल की बात कर रहा हूँ जो मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हमें मौत से निकाल कर हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। पालूस कहता है कि तुम पर फजल फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। हम कितनों के लिए फजल और इत्मीनान का बायस बन रहे हैं? हमारी जिंदगी से कितना जाहिर हो रहा है कि मैं वाकई फजल का फर्जंद हूँ, फजल के मातहत हूँ? अगर हमारी जिंदगी ऐसी होगी तो लोग भी जानने की कोशिश करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे भी इसी रास्ते पर चलना है जिसमें रहते हुए ये बरकतें जिंदगी में है, जिसमें रहते हुए हमेशा की जिंदगी का वादा है। पालूस रसूल ये कहते हैं कि उम्दा बातों को पसंद करो। हमें भी अपने लिए उम्दा बातों को पसंद करना है ताकि हमारी जिंदगी दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना हो और लोग खुदावंद के फजल में आने की ख्वाहिश रखें। खुदावंद का कलाम हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद हमें यह तौफीक बख्शे कि हम इस कलाम पर अमल करने वाले और कलाम की इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। आमीन।